कि 167 सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस पे एप्लीकेबल है या नॉन कॉग्निजेबल में भी एप्लीकेबल है, बताइए जरा। ऑलमोस्ट पूरा 167 आप पढ़ चुके हैं, जरा मुझे ये बताइए कि ये इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है सिर्फ, या फिर ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पे भी अप्लाई होता है? क्या नॉन कॉग्निजेबल पे एप्लीकेबल हो सकता है? पहले तो इसके आसपास की एक दो बातों को समझना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं दोनों पे एप्लीकेबल है। क्या दिमाग लगा कि आपने ये कह दिया है बड़े आराम से कि ये दोनों पे एप्लीकेबल है? व्हाट्स योर ओपिनियन? नहीं होगा, सिर्फ किस पे होगा? कॉग्निजेबल। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मुझे जस्टिफिकेशन तो दोनों के चाहिए ना, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि नहीं होगा? क्या लॉजिक लगाया इसमें? इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, ये तो सही है, लेकिन 156 का सबसेक्शन, सॉरी 155 का सबसेक्शन 3 ये भी तो कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेट करने का पावर दे दिया तो इन्वेस्टिगेशन का पावर ठीक वैसा ही होगा जैसा कॉग्निजेबल के केस में होता है। बेसिकली ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि क्या पुलिस कस्टडी मिलेगी। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस खुद से नहीं करेगी, दे हैव टू सीक द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। मैं कह रहा हूं मजिस्ट्रेट ने परमिशन ग्रांट कर दी कि ठीक है इन्वेस्टिगेशन करिए आप इस केस में। अब वहां क्लियरली लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन करने का पूरा पावर वैसा ही है जैसा कॉग्निजेबल में होता है, एक्सेप्ट अरेस्ट विदाउट वारंट। तो चलो वारंट से आप अरेस्ट कर लाइए, बिना वारंट के मत करिए, अरेस्ट कर लाए। कस्टडी कौन सी? 24 घंटे में उसको भी प्रपेश करना है आपको कोर्ट में, फंडामेंटल राइट है उसका। अब कस्टडी एक्सटेंड कराना है, कौन सी कस्टडी? क्या पुलिस कस्टडी मिलेगी नॉन कॉग्निजेबल के केस में? और हम कह रहे हैं अगर 167 दोनों पे एप्लीकेबल होता है तो मिलेगी पुलिस कस्टडी, नहीं होता है तो नहीं मिलेगी। सिंपल इट इज, है कि नहीं भाई? अगर आप कह रहे हैं कि नॉन कॉग्निजेबल पे 167 एप्लीकेबल नहीं है, इसका मतलब पुलिस कस्टडी नहीं मिलेगी फिर। और अगर आप कह रहे हैं है तो फिर मिलेगी। वो बात बिल्कुल सही है कि बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते आप, दैट्स राइट। लेकिन यह भी तो लिखा है 155 के सबसेक्शन 3 में कि अगर इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर कर दिया है नॉन कॉग्निजेबल में मजिस्ट्रेट ने, तो ठीक वैसा ही इन्वेस्टिगेशन का पावर है जैसा कॉग्निजेबल के केस में होता है। करेक्ट और नॉट? सही है ना भाई साहब ये बात? सिर्फ अरेस्ट नहीं कर सकते बिना वारंट के, बाकी कुछ भी कर सकते हैं। सो व्हाट्स योर से ऑन दैट? तो इसके बारे में 167 कोई स्पेसिफिकेशन नहीं देता। वहां कहीं 167 आप पूरा पढ़ लीजिए, पढ़ चुके हम पहले भी, वहां कहीं ये मेंशन नहीं है कि कॉग्निजेबल के लिए है कि नॉन कॉग्निजेबल। तो ऐसी जगह पे क्या लगाना पड़ता? प्रूडेंस, जो आपके पास है नहीं। प्रूडेंस लगाना पड़ता है ऐसी जगह। लिखिए, ओके, बॉबी ने कहा है कि लगा सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि सीरियस नेचर के नहीं होते हैं, ऑब्वियसली नॉन कॉग्निजेबल सीरियस नेचर के नहीं होते हैं तो यूजुअली ग्रांट नहीं करेंगे, यूजुअली तो कॉग्निजेबल में भी नहीं करते। एक सवाल ये भी है कि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज है मेजोरिटी ऑफ देम आर बेलेबल, मेजोरिटी ऑफ देम आर बेलेबल, बट आईपीसी में कुछ ऐसे भी कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं जो नॉन बेलेबल है। फंसेगा मामला उधर, देखो बेलेबल है तो पुलिस को ही बेल देना है। बेलेबल का मतलब समझते हो ना? बेलेबल नॉन बेलेबल में क्या डिफरेंस है? बेलेबल में राइट है व्यक्ति का बेल, पुलिस से भी ले सकता है, करेक्ट। ये मामला किधर फंसेगा? जहां नॉन बेलेबल की बात आएगी, नॉन कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल, वहां मामला फंसेगा, वहां अपन देखेंगे पुलिस कस्टडी और ये सारी कहानी, ठीक है? तो कंक्लूजन ये है कि कर सकते हैं, अगर सीरियस नेचर का ऑफेंस है, लग रहा है कि पुलिस कस्टडी रिक्वायर्ड है तो दे सकते हैं, भले ही नॉन कॉग्निजेबल है, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टिगेशन का जो अधिकार है वो ठीक वैसा ही होता है जैसा कॉग्निजेबल में होता है। सिर्फ इनिशिएशन का डिफरेंस है कि इन्वेस्टिगेशन चालू कैसे होगा। तो जहां कॉग्निजेबल ऑफेंस है बिना परमिशन के कर सकते हो मजिस्ट्रेट की इन्वेस्टिगेशन, लेकिन जहां नॉन कॉग्निजेबल है वहां मजिस्ट्रेट की परमिशन रिक्वायर्ड है। दैट्स द ओनली डिफरेंस, द इनिशिएशन इज डिफरेंट, रेस्ट द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज सेम। आई होप दैट इज क्लियर। यस, दैट्स ऑल फॉर 167।